सौभाग्य से मुझे कई शिक्षण संस्थाओं से जुड़े रहने का मौका मिला। मैं शिक्षण संस्थाओं की कार्यप्रणाली को देखता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शिक्षण संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही है। उनका मुख्य उद्देश्य बच्चों को डेवलप करना, स्टूडेंट्स को इस लायक बनाना कि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें, सोच सकें, चिंतन कर सकें, सही गलत का फैसला कर सकें, सही निर्णय कर सकें और उनके पास वो दक्षता हो जिससे वो जहाँ पर भी काम करें अपने देश और समाज की तरक्की के लिए उस दक्षता का इस्तेमाल कर सकें। ये बड़ी खुशी की बात है कि आसपास सब तरफ प्रगति हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए क्षेत्र विकास के नए क्षेत्र उभर करके आ रहे हैं। जो पास्ट टेंस था, जैसा भी था, वो पास्ट चला गया और अब जो सुनहरा भविष्य हमारे सामने आ रहा है इसमें हमारे युवाओं की भूमिका बड़ी शानदार हो सकती है। लेकिन एक बात का बड़ा अफसोस रहता है कि जो पाठ्यक्रम हैं शिक्षण संस्थाओं के, वो आज भी वही हैं जो लगभग 20, 30, 40 या 50 साल पुराने हैं। जैसे कॉमर्स के अंदर विद्यार्थी आज भी ट्रायल बैलेंस घोट घोट के तैयार करता है, जबकि आप स्वयं जानते हैं ट्रायल बैलेंस कितने ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। वक्त की ज़रूरत को हमने पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं किया है। हमें विद्यार्थियों को वो कोर्स पढ़ाने हैं जिससे कि वो भविष्य के लिए तैयारी करे, न कि बीते हुए ज़माने के लिए। हमें विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करना है, न कि भूतकाल के लिए। आज हम सबको पता है पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, लेकिन हम ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस कॉमर्स के अंदर या बिजनेस मैनेजमेंट में या MBA पाठ्यक्रम में डिजिटल मार्केटिंग का जिक्र तक नहीं करते। हमें आज ज़रूरत है विद्यार्थियों को वो पाठ्यक्रम पढ़ाने की जिससे वो भविष्य के लिए तैयारी कर सकें, भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, भविष्य के बारे में सोच सके, इस लायक बन जाए कि जब वो मार्केट में आए तो भविष्य के लिए कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करे और आगे ले जाए। हम उसको बीते हुए ज़माने के लिए तैयार करा रहे हैं, बीते हुए ज़माने की तैयारी नहीं करानी। हमें स्टूडेंट को भविष्य का नेता बनाना है, भविष्य का लीडर बनाना है, भविष्य का बिजनेसमैन बनाना है, भविष्य का एंटरप्रेन्योर बनाना है और इसलिए उसको भविष्य में जो टेक्नोलॉजी आने वाली है उसके लिए तैयारी करवानी है। कितने अफसोस की बात है, हम सबको पता है कि आज और भविष्य, आने वाले भविष्य में हमें इस प्रकार के पाठ्यक्रम चाहिए जिनमें विद्यार्थियों को हम सोलर एनर्जी साइंसेस, एनर्जी कंजर्वेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ाएं। लेकिन हम क्या कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, क्या पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, वही जो आज से 30 साल पहले पढ़ा रहे थे। हम एक स्टैंडर्डाइज्ड कोर्स कंटेंट पर काम कर रहे हैं जो 30 साल पहले हमने डेवलप किया था। बस उसी फिक्स स्ट्रक्चर में हर विद्यार्थी को डेवलप करना चाहते हैं। हर विद्यार्थी एक ही तरह का BA, BCom, BSc, BTech, वही पाठ्यक्रम, वही स्ट्रक्चर, सब कुछ वही। क्यों नहीं कुछ अलग करें? लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, लेट्स इनोवेट, कुछ ना कुछ नया करें, तभी तो हम विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार कर पाएंगे।